छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक पत्रकार ने कोंडा गांव में नाली निर्माण में हो रही अनियमितता को लेकर खबर चलाई, जिसको लेकर गुस्साए कांग्रेस नेता और ठेकेदार दिनेश कश्यप ने मिलकर पत्रकार को पीट दिया। बताया जा रहा है कि पत्रकार अपनी जान बचाने के लिए जनपद पंचायत कार्यालय में घुस गया, लेकिन कांग्रेस नेता दिनेश कश्यप यहां भी नहीं रुके और पत्रकार के साथ मारपीट करने लगे। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तो वहीं अब इस घटना के बाद पत्रकारों की 8 सदस्यीय टीम ने हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसलिए कल जानकारी कब मिला, ये आज सुबह जानकारी मिली, आज कल नहीं, कल नहीं थे नहीं, कल जनगणना की कुछ सुपरवाइजर की ड्यूटी और ट्रेनिंग थी जिले में, तो हम लोग गए थे, अब रात आ जाते 11 बजे से लगता, तो इस संबंध में जानकारी नहीं मिल पाई थी। सुबह जानकारी मिली कि ये बीओ ऑफिस के सामने ये घटना हुई है, तो आपने उसकी सूचना थाने में दी थी, क्योंकि अभी भी वो जनगणना की ट्रेनिंग की कार्रवाई कंटिन्यू चली जा रही है, कल रात से भी और आज अर्ली मॉर्निंग से, तो काफी व्यस्तता जा रही है। यहाँ महिलाएं भी थी, गाली बहुत जम के चला, इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, जैसे जानकारी होगी उसकी कार्रवाई की जाएगी। जब ये घटना घटित हो रहा था तो कोई किसी ने कॉल करके बताया कि अपने परिसर में ऐसा कुछ, क्योंकि ये बी ऑफिस के सामने हुआ है, तो हमारे मुस्तक के बाद तो अभी आप विधिवत सूचना देंगे, सूचना मिलेगा विधिवत कार्रवाई इसमें की जाएगी हमारे कार्यालय। नहीं, आपको पुलिस को ही सूचना देंगे। दूसरा ये था, अभी जो सीसीटीवी फुटेज हम देखना चाहते हैं, मतलब पूरा मंडल आया हुआ है, एक प्रतिनिधि मंडल जो कलेक्टर को और एसपी को सूचना देते हैं कि हम अपनी जांच करके राज्यपाल राष्ट्रपति और सभी जगह अपन भेजेंगे, तो हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, तो आप एकदम से जी अगली बात नहीं, आपके द्वारा ये बात बताई गई कि आप सीसीटीवी फुटेज देखना चाह रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की है, और ये अगर इस वक्त आप शासन से या पुलिस से जो आवेदन आएगी तो हमारे साथ कराएंगे, हमारे साथ एक पुलिस लेकिन एक विधिवत लेटर करके जारी नहीं हुआ है, इस कारण से मैं उपलब्ध कराने में असमर्थ हूँ। जैसे ही विधिवत मुझे बताया जाएगा हम हार्ड ड्राइव उपलब्ध करा देंगे। हाँ, वो तो पुलिस को आप उपलब्ध कराएंगे, लेकिन जांच टीम के लिए आपको सहयोग देना चाहिए था, जो कि आप कानून बता रहे हैं ना, ये तो फिर एक पक्षी कानून हो गया ना, कि उस घटना की जानकारी आपको मिलने के बाद भी आप रिपोर्ट नहीं की है, होना चाहिए ना, सबके परिसर में कोई हमारे कार्रवाई हम करेंगे, तो कब तक कर पाएंगे अभी जैसे जनगणना कार्य करता, आपको मालूम है कौन कौन हंगामा खड़ा किया, ये मुझे उसकी जानकारी नहीं करेंगे हम। एक पत्रकार पर खुलेआम इस तरह का हमला कहीं न कहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। वहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब तक हमला करने वाले आरोपी पकड़े क्यों नहीं गए। पंजाब केसरी के लिए कुंडा गांव से नीरज उइके की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।